विशेषज्ञ द्वारा किसानों को हर धेनु गाय को पालने की सलाह दी जाती है। इस गाय की खास बात यह है कि यह रोजाना 50 से 55 लीटर दूध आराम से देती है। इसे हरियाणा के लाला राजपत राय पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 3 नस्लों के मेल से तैयार किया था। विशेषज्ञों के अनुसार ये हर धेनु नस्ल उत्तरी अमेरिकी देसी हरियाणा और साहिवाल नस्ल की क्रॉस ब्रीड से खास तैयार की गई है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। फ्रेश टोमेटो डे के अवसर पर कृषि झारखंड ने सोमानी सीड्स के साथ मिलकर वर्चुअल सेलिब्रेशन किया, जहां सोमानी सीड्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर केवी सोमानी ने टोमेटो से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की। और इतना ही नहीं, टोमेटो फार्मिंग में जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, देश के ऐसे फार्मर्स और वैज्ञानिक भी इस वर्चुअल सेलिब्रेशन में मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बजट सत्र के दौरान संसद में देश के विभिन्न संसद सदस्यों को खेती से जुड़े सवालों के जवाब दिए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से जमीन को बचाने और जैविक खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने को लेकर काम कर रही है। कैलाश चौधरी ने बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के माध्यम से भी बीते 7 सालों में करीब 22 करोड़ किसानों ने इसका लाभ लिया है। अगर आप भी गर्मी से परेशान हैं और एसी कूलर जैसी चीजें आपको सूट नहीं करती, तो आप अपने घर की बालकनी में कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, साथ ही आपके घर को ठंडा रखने में सहायक हैं, जिनमें एलोवेरा, स्नेक प्लांट, एरिका पाम और बेबी रबर प्लांट शामिल हैं। इनमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। वहीं घरों को ठंडा रखने के लिए भी इसे बालकनी में रखने की सलाह दी जाती है। इन प्लांट्स को घर में लगाने से तापमान ठंडा होता है, साथ ही इनसे घर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भी बेहतर बनी रहती है। मुरैना आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह पर साटा गांव के किसान गिरिराज मुदगल ने नीलकंठ आलू की खेती की है। मुरैना जिले के कई गांवों में आलू की खेती बहुतायत में होती है, लेकिन नीलकंठ आलू की खेती पहली बार हुई है। ग्वालियर स्थित आलू अनुसंधान केंद्र से गिरिजा मुदगल नीलकंठ आलू का 5 क्विंटल बीज लाए थे। 5 बीघा जमीन में किसान ने ये खेती की, जिसमें 129 क्विंटल आलू की पैदावार हुई। यानी 10 बोरी बीज में से 258 बोरी नीलकंठ आलू की पैदावार को देखकर आम आलू की खेती करने वाले किसान भी अचंभित रह गए हैं। डीजल के लगातार दाम बढ़ने से ट्रैक्टर संचालकों ने मड़ाई का भाव बढ़ा दिया है। मजदूरों ने खेत में कटाई का भाव बढ़ा दिया और किसानों के अनुसार पिछले साल कंबाइन मशीन से खेत की कटाई 1500 रुपये प्रति एकड़ थी और इस साल 2000 रुपये प्रति एकड़ कट रही है। वहीं भूसा मशीन से भूसा बनाने पर प्रति ट्रोली 1600 रुपये बनता था, लेकिन इस साल 2000 ट्रोली बन रही है। पिछले साल खेत की जुताई रोटावेटर से 1200 रुपये प्रति एकड़ थी, लेकिन इस साल 1600 रुपये प्रति एकड़ जुताई हो रही है। वहीं कल्टीवेटर से जहां 800 रुपये प्रति एकड़ जुताई देनी पड़ती थी, वहां अब 1200 रुपये देना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, फसल को खेतों से घर या खलिहान तक लाने के लिए पहले जहां 200 रुपये देने पड़ते थे, अब 300 रुपये देने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर महंगाई का असर खेत तक पहुंच गया है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनकी खेती कर किसान मालामाल हो सकते हैं। मेहंदी इन्हीं में से एक है। मेहंदी में लौसेन नाम का रंजक यौगिक होता है, जो बाल और शरीर को रंगने के लिए उपयोग किया जाता है। और इतना ही नहीं, इनकी पत्तियां चर्म रोग में भी उपयोगी है। राजस्थान के पाली जिले में करीब 40,000 हेक्टेयर भूमि पर मेहंदी की फसल उगाई जाती है। मेहंदी के पौधे साल भर में तैयार हो जाते हैं। अप्रैल से इनमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और एक बार स्थापित हो जाने पर इसकी झाड़ी 20 से 25 साल तक टिकी रहती है। मेहंदी की दो पंक्तियों के बीच खरीफ और रबी ऋतु में दलहन तथा अन्य कम ऊंचाई वाली फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पुनः शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार की इस घोषणा में 10 लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का लक्ष्य है। साथ ही बारां जिले की सहरिया और खरेवा जनजाति और उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति के परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किलो गेहूं हर महीने निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके साथ उत्तर भारत के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है और इससे कोई राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत और राजस्थान के कुछ इलाकों में लू यानी कि हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।